गुना शहर के बीचों बीच सराफा बाजार में चोरों ने सोने घर को निशाना बनाया। चोर ऊपरी मंजिल के कमरे में चोरी को अंजाम दिया और घटना के वक्त पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। सुबह जब परिवार के सदस्य घर में सामान रखने आए तब उन्हें चोरी का पता चला। इस दौरान चोरों ने लाखों के सोने के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। वहां रखी चांदी वह ऐसी ही छोड़कर चले गए और अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितने की चोरी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। सराफा बाजार में पवन सोनी के ज्वेलर्स की दुकान है। नीचे दुकान है और ऊपर दो मंजिलों पर परिवार रहता है। सोमवार को उनकी बेटी की शादी थी। एक निजी गार्डन में आयोजन हुआ था। पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। घर पर कोई भी नहीं था। रात अज्ञात चोरों ने उनके घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर अलमारी में रखे सोने के जेवर और नकदी ले गए। अलमारी में कुछ चांदी के गहने और अन्य सामान भी रखा हुआ था जिसे उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। मंगलवार दोपहर जब उनका बेटा घर पर कुछ सामान रखने आया तब उसे चोरी का पता चला। उसने अपने घर वालों और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी आकाश अमलकर और कोतवाली थाना प्रभारी मदन मोहन मालवी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। चोर ऊपरी मंजिल पर कैसे पहुंचे यह अभी साफ नहीं हो पाया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कोई ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। इससे ये तो साफ है कि चोर नीचे से नहीं गए। पुलिस ने आसपास के छतों पर भी जाकर चोरों के घुसने की संभावित जगह देखी। सीएसपी ने बताया कि सराफा बाजार में चोरी की घटना हुई है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ये अभी शिवम ज्वेलर सराफा बाजार की सूचना मिली थी, इसके भी तस्दीक कर रहे हैं। जो भी होगा उसके आपको अवगत करा दिया जाएगा। कितने की चोरी है सर? इसका भी अंदाजा नहीं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। जैसा भी होगा वो बता दिया जाएगा। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट।